जाने क्या बोले मन डोले सुन के बदन धड़कन बनी जुबान जी सर, आपका काम हम शाम तक करवा देते हैं। ओके सर। अरे भैया सुनो, ये उठा के जरा वहां रखवाओ, जल्दी रखो। प्यारे लाल जी, मैंने आपको क्या कहा था, ये जो है एंट्रेंस के पास आएगा, वहां रखिए, वहां। सॉरी सर, वो तो भाभी जी ने कहा था वहां रखने को। किसने? मैंने। पता नहीं, ये सब चीजें एंट्रेंस पे नहीं, वहां कॉर्नर्स में अच्छी लगती। मिस फारूकी, आप शायद भूल रही हैं, मैं आर्किटेक्ट हूं, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट वी डू। आप भी शायद भूल रहे हैं मिस्टर खान, जब इंटीरियर डेकोरेशन होती है तो सबसे ज्यादा किसकी सुनी जाती है? किसकी? घर की औरतों। मिस फारूकी, आर्किटेक्ट मैं हूं। मैं इस घर की होने वाली दुल्हन हूं। देखिए, जैसा मैं कह रही हूं ना वैसा ही होगा। मैं आपको, प्लीज स्टॉप फाइटिंग। आप लोग फिर शुरू हो गए। दुनिया के सारे काम रुक जाएंगे, लेकिन आपके झगड़े कभी नहीं रुकेंगे ना। अब मैं क्या करूं नजमा? तुम्हारे भाईजान को लड़ाई करने की इतनी आदत है, इनसे कहो कभी दूसरों की बात भी सुन लिया करें। और प्लीज इनसे कहो कि कोई ऐसी बात करें जो लोग सुनना चाहें। और रियली रियली मिस्टर खान, आप देखिए, आप फिर से शुरू करें। ओके ओके ओके, अभी अम्मी ही डिसाइड करेंगी कि ये कहां रखा जाएगा। ओके, मैं अभी अम्मी को बुला के आती हूं, बट नो फाइटिंग। ओके, अच्छा सुनिए मिस्टर खान, इसके बारे में बात नहीं कर रही हूं, सुन लीजिए पहले। मैं ये जानना चाहती थी कि आपकी फिफ्थ विश क्या है। कौन सी फिफ्थ विश? अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपकी बेसिकली प्रॉब्लम क्या है मिस्टर खान? वही विश लिस्ट जिसको मैं एक एक करके पूरा कर रही हूँ, पूरी विशेस को मिस्टर खान। कोई आपकी ऐसी विश, कोई ऐसी ख्वाहिश जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, तो बताइए आपकी फिफ्थ विश क्या? फिलहाल तो मेरी फिफ्थ विश ये है कि आप मुझे डराना बंद कीजिए। ओके, अच्छा ठीक है। सी नाउ फाइन, अब बताइए आपकी फिफ्थ विश क्या है? ऐसी कोई विश है नहीं मैं सरों की। हाँ, एक ख्वाहिश थी जरूर, लेकिन उसे आप भी पूरा नहीं कर सकते। जब एक बेटी की शादी होती है तो वो उसके पिता के लिए सबसे खुशी का दिन होता है, और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। वो दिन आ गया है राशिद, जब हमारी बेटी दुल्हन के जोड़े में सजेगी, लेकिन उसे दुआएं देने के लिए आप नहीं होंगे।
प्लीज मिस्टर खान, आप एक बार तो बताकर देखिए मुझे, हो सकता है मैं आपकी वो विश पूरी कर पाऊं। जब मैं बहुत छोटा था तो हर साल अपने बर्थडे पे विश करता था कि राशिद साहब आएंगे और मुझे एक तोहफा देंगे, लेकिन वो कभी आए नहीं। जो है मिस्टर खान, लाइक आई सेड, ये विश आप भी पूरी नहीं कर सकते। एक्चुअली ये विश मांगना मैंने बहुत साल पहले छोड़ दिया था। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू मी एनीमोर। आप चाहे जाहिर ना करें मिस्टर खान, लेकिन मैं जानती हूं कि आप अब भी चाहते हैं विश पूरी हो। आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। इतने साल बीत गए अम्मी, लेकिन आप अब भी उन्हें नहीं भूली हैं। आप अब भी अब्बू को उतना ही मिस करती हैं। मैं क्या करूं? मिस्टर खान के पास ने उन्हें जो दर्द दिया है, उसे दूर करने के लिए मैं क्या करूं? ये क्या हाल बना रखा है? कहां से जंग लड़के आ रही हो तुम? जब मैं गुमशुदा थी ना, तो उसी दौरान आपका बर्थडे था जो मैंने मिस कर दिया था, तो मैं तो ये सब करके आप अपने आप को सजा दे रही हैं? एक मिनट रुकिए, कुछ लगाया आप आपके गाल पे। दरअसल ये पूछना था कि आपने आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया? हाँ बिल्कुल किया था। जानना चाहती हैं कैसे? हाँ। आपकी तलाश में भोपाल के कुछ 6-8 अस्पताल घूमा मैं, उसके बाद भोपाल से लेके इंदौर तक जितने भी बस स्टॉप हैं, वहां पे जाके मैंने ये पता किया कि कितने लोग चढ़े हैं, कितने लोग उतरे। अब आप ही बताइए, इससे कोई बेहतर तरीका है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का? ओ, तो कोई बहुत नाराज है मुझ पे। वैसे कोई बात नहीं, जो बात मेरी वजह से बिगड़ गई थी, बिलेटेड ही सही, मेरी वजह से बन भी सकती है। मतलब? सरप्राइज। सरप्राइज? यस, आपके लिए मेरे रूम में एक सरप्राइज है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको आंखें बंद करनी होगी। मेरा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, टक्कर हो जाएगी। नहीं होगी। दरवाजा आ गया बीच में, ये देखो। यस। मेरा। और हम पहुंच गए। And now, ये तुमने बनाया? Wow. राशिद, इंजेक्शन नजमा को लगा है और आप रो रहे हैं? अल्लाह, कल को जब बेटी विदा होगी तब आप क्या करेंगे? राशिद, आज फरहान आ रहे हैं, मैं उनके लिए घड़ी लेकर आई हूँ, देखिए। वैसे मैं तो अंगूठी भी लेकर आई हूँ। अब सगाई जल्दी होनी है, तो अगर निखत यही चाहती है तो ठीक है। निखत? या
खानदानी कंगन है, लो मैं पहनती हूँ। वाह कंगन मेरे लिए कहाँ है? ओए बदमाश, ये कंगन घर की बड़ी बेटी के लिए होते हैं। अच्छा बड़ी बेटी के लिए होते हैं, तब तो नजमा बाजी निखत बाजी से बड़ी है ना? तब तो उस हिसाब से नजमा बाजी को देना चाहिए। नुसरत हाँ, तो उसी का है, लेकिन किस्मत ने दोनों खानदान के बीच में इतना फासला कर दिया है कि ना तो ये कंगन वहां जा सकता है और ना तो वो यहां आ सकते हैं। नजमा अम्मी, नजमा कहाँ है? नजमा बस यही कहीं आसपास गई होगी, क्यों? नहीं वो मिस फारूकी भी घर पे नहीं है। अरे दोनों का निकाह होने वाला है, दोनों दुल्हन बनने वाली हैं, और निकाह से पहले हजार काम होते हैं, हजार खरीदारियां होती हैं, शायद कुछ खरीदने गई होंगी। तुम तो ये बताओ कि निकाह से पहले दूल्हे मियां का क्या हाल है? तुम खुश तो हो ना? जी। और आप? अरे मेरे दोनों बच्चों का निकाह एक साथ एक ही तारीख को हो रहा है, मैं खुश नहीं होंगी क्या? लेकिन आपकी आंखें कुछ और कह रही थी। मतलब? मतलब आपकी आंखें कह रही हैं कि आप किसी बात को लेकर परेशान? क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं है, वाकई बस बेटी का निकाह होने वाला है, उसी की फिक्र हो रही थी। लेकिन यकीन नहीं होता अम्मी, हमारी छोटी सी टमाटर इतनी बड़ी होगी, कल उसका निकाह है। वैसे लड़कियों का ये सवाल पूछना बेशर्मी माना जाता है। लीजिए आपके इश्क में मैं बेशरम भी बन गई। अगर आपका जवाब हाँ है तो कैंडल्स बुझाइए और विश मांगिए, मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी। और अगर आपका जवाब ना है के बाद हमारे बीच में कभी कोई ना नहीं होगी। भाईजान क्या हुआ? वो भाईजान बाहर नजमा बाजी आई है। नजमा
नजमा यहाँ क्या कर रही है? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप सबको अपने निकाह के लिए बुलाने आई हूँ। मैं जानती हूँ ये हमारे घरों के बीच बहुत कड़वाहट फैल चुकी है, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे मौकों पर ही तो लोग अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर फिर मिल जाते हैं ना। अगर आप सब हमारी खुशियों में शरीक होंगे तो हमारी खुशियां दुगनी हो जाएंगी। मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की तुमने नजमा जो तुम यहां चली आई, लेकिन क्या करें, इन दोनों घरों की दुश्मनी की जड़ें बहुत गहरी हैं बेटा, और जिस दरख्त की जड़ें गहरी होती हैं ना, वो एक ही झोंके में गिरा नहीं करते। लेकिन कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना भाभी, सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, शुरू तो एक कदम से ही होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बुलावा ही देना था तो कम से कम घर के किसी बड़े को आना चाहिए था। नहीं, दिलशाद बेगम ने तो यहाँ बेचारी दुल्हन को ही भेज दिया, अब इस तरह से नजमा को भेज दिया है तो मुझे लग रहा है कि कहीं कोई चाल ना हो। मुमानी, आप क्या बात की खाल निकाल रही है? नजमा, दादी, अल्लाह के नाम पे फकीर की झोली में कुछ डाल दे बच्चे। तुझे देखकर लगता है कि तू अपनी जिंदगी के किसी बहुत बड़े मकाम पे खड़ी है। वाह, आपको कैसे पता? ठीक कह रहे हैं आप, मैं अपनी जिंदगी के वाकई बहुत अहम मोड़ पे हूँ। कल मेरा निकाह है। कौन जाने कल के पन्नों पे उसने कौन सी इबारत लिखी है जी? इंसान को अपने अगले पल के बारे में कुछ खबर नहीं, और तू कल की बातें कर रही है। कल के बारे में तो सिर्फ वो जानता है अपने ऊंचे आसमानी महल में बैठा, वो हम सबकी तकदीरें लिखता है और हंसता है हम सब पर जब हम आने वाले कल के ख्वाब देखते हैं। आज की उंगली पकड़ कर चलना सीख बेटा, कल जो वो दे उसे कबूल कर, उसकी रजा में अपनी रजा ढूंढ। अल्लाह तुझे खुश रखे बच्ची, अल्लाह तुझे खुश रखे।